वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन नेशन के नाम से आदमी का पेट्रियाटिज्म जाग जाता है लेकिन इसके पीछे एक और मैं कहूँ जी वन नेशन वन पोलिटिकल पार्टी कैसा लगेगा वन नेशन वन लीडर कैसा लगेगा सत्तर साल से इलेक्शन हो रहा है। है। रहे हैं सत्तर साल से वही कंपनियाँ डोनेशन देती हैं और बड़ी होशियार हैं वो सबको देती हैं दो कैंडिडेट आमने सामने दो पार्टियां लड़ रही हैं दोनों को देते हैं कि को कोई भी जीत के आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता दोनों मेरे कैंडिडेट हैं नेशनल इलेक्शन फंड बना दीजिए उस फंड से सौ रुपये पर वोट के हिसाब से बांट दीजिए फार्मूला फुल प्रूफ है किसी को आपत्ति आप नहीं होगी अच्छा इलेक्शन का मतलब अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है अच्छे इलेक्शन तो हमने कर दिया लेकिन तैतालीस फीसदी क्रिमिनल को जीतने से तो नहीं रोक सके हम क्योंकि वो हमारे अख्तियार में नहीं अगर आप अपराधी हैं और करोड़पति हैं आपके चांसेस जीतने के ज्यादा हैं क्योंकि उसकी वजह है कि अपराधी तो जिस जहाँ जिस इलाके में रह रहा है वहाँ अपने वोटर को ही अच्छी तरह देखभाल करता है अपनी डकैतियाँ बाहर जाके मारता है पिछले दस ग्यारह साल में एक सौ आठ देशों के इलेक्शन कमिश्नर्स हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं यानी हम इलेक्शन के विश्व गुरु माने हुए गुरु हैं अभी तो लोग हमसे ट्रेनिंग लेने आते हैं जिंदगी में आज तक वोट नहीं दिया मूँचों पे ताव देखें हाँ बड़ा एतराज़ है कि साहब आपने सरकार बनाने के लिए उंगली तक नहीं हिलाई पैर नहीं हिलाए वोट देने नहीं गए और उसके बाद अगर बेईमान लोग जीत के आ जाएं तो फिर आपको कोसने का क्या राइट है पैसा बहुत गज़ब बिजनेस करने के लिए भी चाहिए जंग के लिए भी चाहिए और यहाँ तक कि आंदोलन में भी चाहिए गांधी जी चंदा लेते थे और अब राजनीति करनी है तो उसमें भी चाहिए राजनीतिक दल अब कोई बिजनेस तो कर नहीं सकते तो ये पैसा उनके पास आए कैसे इसके लिए व्यवस्था थी चंदे की लेकिन जब चंदे में धांधली होने लगी तो फिर 2017 में तय हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड की एक व्यवस्था बनेगी पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर वही प्रश्न है कि चंदा लिया जाए तो लिया जाए कैसे इसी तरह के कई और सवाल हैं जो डेमोक्रेटिक सेटअप वाले देशों में अक्सर उभरते हैं उठते हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश सतत चलती रहती है आ, मसलन मैं कहूं जैसे ईवीएम मतलब मतदान करने का सिस्टम वो बेहतर कैसे हो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा कैसे हो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा कैसे हो आपराधिक तत्व इस सिस्टम से बाहर कैसे रहें तो हम सब एक समाज के तौर पर ये सब सोचते हैं लेकिन ज़्यादा सोचने का जिम्मा या ज़्यादा सोचने की जो ललक है वो रखता है इलेक्शन कमीशन क्योंकि ये उसका संवैधानिक दायित्व भी बनता है तो एक ऐसी संस्था है जिसे हम बड़ी श्रद्धा से देखते हैं क्योंकि चुनाव महंगे भी हैं महंगा शौक़ भी है डेमोक्रेसी और चुनाव ज़रूरी भी है तो रेफरी है वो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने का इस संस्था को समझना बहुत इम्पॉटेंट है और इसकी चुनौतियां समझना उससे ज़्यादा इम्पॉटेंट है और आज हमारे साथ इसी संस्था को 2010 से बारह तक संभालने वाले डॉक्टर साहब हैं शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी एस वाई क़ुरैशी के नाम से आपको सब जानते हैं आपके लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम आर्टिकल पढ़ते हैं उनसे समृद्ध होते हैं और अक्सर आप उन कम लोगों में हैं जो मीडिया में दिखाई देते हैं खुलकर मुश्किल सवालों का जवाब देते हैं तो कुछ मुश्किल सवाल हमारे पास भी हैं तो सोचा जब से जवाब लिया जाए हालांकि आपकी कुछ शानदार किताबें हैं सिलसिले में जो सबको पढ़नी चाहिए जैसे अभी हाल ही में चार पाँच महीने पहले इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी आई और आपने लिखी हार्पर कॉलें से अभी भी मार्केट में उपलब्ध है और इस किताब में करीब करीब हर मुश्किल सवाल का जवाब है और मेरे एक दोस्त हैं इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात नोटिस की थी कि इसमें जो अध्याय हैं छोटे छोटे कहीं से भी पढ़ सकते हैं और दूसरे दिन किसी और अध्याय को आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं मतलब किताब आगे से शुरू करें या पीछे से जैसी मेरी आदत है कहीं से भी शुरू करें किताब मुकम्मल है तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए बहुत इंतजार था आपका मैं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बड़ी खुशी है आपने मुझे आमंत्रित किया और क्या है कि दूर दूर से तो हम आपके विचार पढ़ते रहते हैं अभी पिछले दिनों इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर एक फैसला आया उस पर भी आपने तवील लेख लिखा लेकिन हमारा मन था थोड़ा इस सिस्टम को समझने का क्योंकि जब आप इलेक्शन कमीशन को संभाल रहे थे तब तो ये कानून आया नहीं था लेकिन मेरा ख़्याल है तब ये चुनौती रही थी चंदे में काला धन इस्तेमाल हो रहा है कैसे इसे ट्रांसपेरेंट करें ये सब बातें तो मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि दुनिया भर में सिस्टम क्या है चंदा देने का हमारे यहाँ क्यों कोई ऐसा सिस्टम अब तक नहीं बन पाया कि हम इससे निजात पाते कालाधन वगैरह से अभी भी हम फंसे हुए हैं पहले तो नितिन जी आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपने कुछ देर पहले एक कमेंट की कि इलेक्शन कमीशन एक रेफरी का रोल प्ले करता है तो मैं उसको ठीक करना चाहूँगा कि रेफरी का रोल तो हमारे सौ रोल के बीच में एक रोल है हमारा का उस ग्राउंड को तैयार करना भी हमारा काम है वहाँ पर घास अच्छी उगी हो वो ठीक होनी चाहिए वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी हमारा काम है मैच के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उसको सिक्योर करना हमारा काम है <laughs> तो इलेक्शन कमीशन का काम तो बहुत बड़ा है सिर्फ रेफरी होना था उसका एक छोटा सा काम है उसको पहले से मैनेज करना साल साल पहले बाहर पहले से तैयारी करना रेफरी तो आएगा नौ नब्बे मिनट फुटबॉल का मैच सिटी में जाएगा शुरू करेगा ख़त्म करेगा हम तो साल भर पहले से लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रल रोड बनाना वगैरह तो पहले तो आप मैं संशोधित करता हूँ आप रेफरी नहीं है ऑर्गेनाइजर हैं आयोजक की जितनी परेशानियाँ वो सारी आपकी हैं जी सब कुछ है रोल इन टू वन है जी जी अच्छा अब आपका सवाल कि ये जो फाइनेंस है ये आपने ठीक कहा कि पूरी दुनिया का इशू है क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी बगैर पैसे के तो चल नहीं सकती डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए अगर पॉलिटिकल पार्टी ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है वो भी बगैर पैसे के इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता तो पैसा कहाँ से आए ये इशू होता है तो और दुनिया के सभी मुल्कों में किसी न किसी किस्म के ये डिबेट चलती रहती है और हमारे यहाँ भी ये इशू चलता रहा है बल्कि जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना उस दिन मैंने जो इनगरल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने अपने आप को दो चैलेंजेस दिए थे एक तो ये था कि वोटर टर्नआउट बड़ा पुअर होता था और शहरों के लोग बड़े शहरों के लोग खासतौर से पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लेकिन वोट नहीं देते थे और ड्राइंग रूम में बैठ के नेताओं को कोसते थे कि सब नेता चोर हैं और साथ साथ ये कहते थे मैंने तो ज़िंदगी में आज तक वोट नहीं दिया मूँछों पर ताव दे हाँ। ना ये मुझे इससे बड़ा एतराज़ है कि साहब आपने सरकार बनाने के लिए उंगली तक नहीं हिलाई पैर नहीं हिलाया बोर्ड देने नहीं गए और उसके बाद अगर बेईमान लोग जीत के आ जाएं तो फिर आपको कोसने का क्या राइट है अच्छे लोगों को चुनने के लिए आप गए क्यों नहीं आपने तो कोई मेहनत नहीं की ये गलत दूसरा ये कहना कि सब नेता चोर हैं मुझे इस पर भी एतराज है कि सब नेता चोर नहीं है देखिए भारत इतना महान और इतना पावरफुल देश जो बना पोलिटिकल लीडरशिप की वजह से बना अब आप देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही साथ तो आजाद हुए थे बिल्कुल इंडिया कहाँ है और वो दोनों कंट्रीज कहाँ हैं हम कितने आगे निकल मतलब हाँ, बांग्लादेश थोड़ा बाद में वो बांग्लादेश बाद में लेकिन तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना बिल्कुल लेकिन वो हम थे पीछे कहते रहे अगर हम आगे क्यों निकल गए क्योंकि उनके यहाँ पोलिटिकल लीडरशिप नहीं डिवेलप हो सकी हमारे यहाँ पोलिटिकल लीडरशिप पहले दिन से हुई और आज तक चल रही है क्योंकि पोलिटिकल लीडरशिप के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता तो इसलिए ये नेताओं को जो कोसा जाता है कलित जैसे ये गलत है हमारे नेताओं ने ही इन देश की तरक्की कराई है इसलिए मान बीच में ब्लैक शीप जरूर होते हैं कुछ वो होते हैं उनको पहचानना हमें समझना चाहिए अब हमारी जो फंड रेजिंग का सिस्टम है डोनेशन बेसिकली तो डोनेशन वैसे तो तीन चार सोर्सेज होती हैं कि इनकी जैसे मेंबरशिप भी है चाहे वो एक ज़माने में चार आनी की फ़ीस होती थी एक रुपये पाँच रुपये जो भी होती होगी फिर ये कि इन लोगों के बाद कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है वो किराए पे दे दी अच्छा। उससे कुछ आ गया कुछ रेवेन्यू वो आ गया लेकिन मेनली डोनेशन होते हैं प्राइवेट डोनेशन या कॉरपोरेट डोनेशन तो कॉरपोरेट डोनेशन हम समझते हैं सबसे बड़ी फसाद की जड़ है क्योंकि कोई भी कंपनी पैसा मुफ्त में नहीं देती उसको लालच में ही देती है कि उसके बदले कुछ चाहिए तो जैसे कहते हैं ना देर इज़ नो फ्री लंच तो इसी तरह कोई पाँच करोड़ दे दिया दस करोड़ दे दिया और कोई मतलब नहीं है ये हो ही नहीं सकता कुछ ना कुछ तो चाहिए तो इस वजह से ये इसके ऊपर बड़े बहस होती रहती है जिस वक्त ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड दो हज़ार सत्रह में शुरू हुए उस वक्त भी ये डिबेट थी कि जो उस वक्त का सिस्टम था कि जो डोनेशन आते थे कुछ तो चेक से आते थे या मेम्बरशिप वगैरह से आते हैं उनमें तो कोई इशू ही नहीं सत्तर फ़ीसदी के करीब डोनेशन कैश से आते थे अब दैट मीन ये नहीं मालूम सोर्स क्या है कहाँ से आ रहा है वो ड्रग का पैसा है हुँ. लैंड माफिया का पैसा है और तो और किसी विदेशी जगह का फोर्स का पैसा है तो इसलिए उस पे आपत्ति और चिंता व्यक्त की जाती थी तो 2017 में बजट स्पीच के ज़रिए सरकार इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर आई यहाँ से होशियारी और चलाकी शुरू हुई देखिए ये इलेक्टोरल एले, फंडिंग जो है ये मनी बिल का हिस्सा नहीं होने की जितनी ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फाइनेंस बिल के तहत है फाइनेंस बिल के तहत इसको तो बजट में डालना के पीछे बड़ी कैलकुलेशन थी अरुण जेटली अरुण जेटली साहब लाए थे ताकि वो राज्यसभा में डिबेट ना हो जाए इसके ऊपर क्योंकि डिबेट होती तो उसकी बहुत सारे पहलू सामने आते बिल्कुल जो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो सात साल बाद किया वो बेइज्जती नब्द होती वो तो राज्यसभा में ही एक्सपोज हो जाता लेकिन, लेकिन चूंकि फाइनेंस बिल था तो, तो राज्यसभा से बच गया बच गया और सिर्फ फाइनेंस बिल ही नहीं बल्कि चार पांच और एक्ट को भी अमेंड करना पड़ा मैं उस पर बाद में आता हूँ जब मैं जो बजट स्पीच थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी मैं टीवी पे सुन रहा था तो सबसे पहला सेंटेंस जेटली जी का था वो कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पोलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नॉट पॉसिबल यानी ट्रांसपेरेंट फंडिंग अगर नहीं होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हो ही नहीं सकते ये सुन के हमें बड़ी खुशी हुई कि ये तो वही बात कर रहे हैं जो हम कहते हैं अगला सेंटेंस भी उनका बहुत अच्छा था उन्होंने कहा कि पिछले सत्तर साल से हम ये ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में असफल हो गए मैंने कहा यह बात भी बहुत अच्छी की है लेकिन ये दो सेंटेंस सुनने के बाद नेचुरल एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब तीसरा सेंटेंस होगा कि चूंकि सत्तर साल में हम असफल हो गए थे अब मैं ट्रांसपेरेंसी लाता हूँ और क्या ट्रांसपेरेंसी लाइट जो जितनी भी थी वो खत्म कर दी सब पे पानी फेर दिया क्या थी ट्रांसपेरेंसी उस वक्त उस वक्त बीस हजार रुपए से ज्यादा का डोनेशन सिर्फ बीस हजार रुपए उसका वो डोनेशन भी इलेक्शन कमीशन को बताया जाता था और इलेक्शन कमीशन से एक सर्टिफिकेट लिया जाता था कि जी हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे इनकम टैक्स उनको टैक्स रिलीफ देता था वरना टैक्स रिलीफ ना मिले तो वो अब बीस हजार रुपये क्या दो करोड़ बीस करोड़ दो हज़ार करोड़ कुछ पता ही नहीं लगेगा सीक्रेट कर दिया hmm. तो ये क्या ट्रांसपेरेंसी अचीव की कि यह कथनी और करनी में इतना इतना डिफरेंस क्यों hmm. क्या ऑडियंस बेवकूफ़ है आप सीधा कुछ और ही आर्ग्यूमेंट कहते हैं। पहले दो सेंटेंस नहीं यूज़ ना करते सीधा तीसरे पे आते ये ये कहते कि ये सत्तर फीसदी कैश ट्रांजेक्शन होती है उसको हटाने के लिए हम कर रहे हैं तो इसलिए ये जो लाल लफाजी की गई ना ये बड़ी गलत काम था तो बहरहाल अब उसमें ये हुआ कि जो ये बॉन्ड जो होंगे वो एनोनिमस होंगे क्योंकि डोनर सीक्रेसी चाहता है ये अगर कहा गया मुझे उस पर हैरानी हुई मैंने उस पर कई आर्टिकल लिखे मैंने कहा कि था ये डोनर सीक्रेसी कब से चाहने लग गया सत्तर साल से इलेक्शन हो रहा है सत्तर साल से वही कंपनियाँ डोनेशन देती हैं और बड़ी होशियार हैं वो सबको देती हैं दो कैंडिडेट आमने सामने दो पार्टियां लड़ रही हैं दोनों को देते हैं कि कोई भी जीत के आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोनों मेरे कैंडिडेट हैं तो इसलिए और सत्तर साल में तो उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की या यह कि शिकायत क्या बताई गई कि जी उनको ये होता है कि अगर एक ए पार्टी को दे दिया तो बी पार्टी नाराज़ हो जाएगी और हमसे फिर बदला लेगी भाई सत्तर साल में तो बदला नहीं लिया था बल्कि मैं तो रूलिंग पार्टी से भी पूछा कि तुम्हारे तुम्हारे ख़िलाफ़ कांग्रेस ने कभी बदला लिया था या तुमने कभी कांग्रेस के डोनर से बदला लिया था तो सत्तर साल में नहीं होता ये सडनली ये जरूरत कहाँ से पैदा हो गई तो ये जरा एक आर्टिफिशियल थी कंस्ट्रक्ट लगता था तो बहरहाल ये ट्रांसपेरेंसी के नाम से कि जी डोनर डौन, वॉन्ट थी जनता क्या चाहती है इस डेमोक्रेसी तो जनता की ये सरकार है जनता ट्रांसपेरेंसी चाहती है जनता ये जानना चाहती है कि किसने डोनेशन दी और सीक्रेसी अगर डोनर चाहता था क्यों चाहता था हम मेरा उसमें कंटेंशन थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि एक अंग्रेजी का लफ्ज है प्रो को कि उसके बदले में क्या मिलेगा उसको तो उसके बदले में उसको लाइसेंस मिलेगा कोई उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा कोई बड़े बड़े बैंक के लोन मिल जाएंगे जिसको लेके वो भाग जाएंगे कितने भागे हुए हैं आजकल है ना तो इसलिए ये पता ना लग जाए जनता को कि क्या कोिड प्रो को क्या लेन देन पीछे चल रहा है ये सीक्रेसी थी किसे फायदा पहुंचाया गया ये ना पता चले कितना ना पता लगे अब बताइए यही चीज़ कोर्ट ने एक्सपोज कर दी यही चीज़ सात साल से हम प्रोटेस्ट में बार बार कह रहे हैं मैं या मेरे जैसे और जो भी लोग इस पर लिख रहते रहे यही हमारा प्रोटेस्ट था बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइसिवली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया लेकिन अब जो सवाल होता है जो आपका बुनियादी सवाल था कि अब वॉट नेक्स्ट इसके बाद क्या अब हम प्री दो, दो हजार वाली सिचुएशन पे पहुंच गए वो भी तो आइडियल नहीं थी उस वक्त भी 70 फीसदी ब्लैक मनी थी अब क्या करें तो मैंने अभी रिसेंट आर्टिकल जो लिखा था जजमेंट के अगले ही दिन ये छपा था इंडियन एक्सप्रेस में उसमें दो तीन सजेशन दिए थे कि इसका हल यही है जो बहुत सालों से डिस्कस होते लेकिन नेता लोग उसको सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि शायद वो उसका हल करना ही नहीं चाहते इस प्रॉब्लम का उसमें हमने ये कहा था कि देखिए कॉरपोरेट डोनेशन तो बंद कर दीजिए और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कर दीजिए सरकार अपने बजट से दे क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी की कॉस्ट तो है और डेमोक्रेसी पे सात uh, सात हज़ार करोड़ का एस्टिमेट uh, था छः सात हज़ार करोड़ पाँच साल में अगर खर्च होता है तो बहुत कौन सी बड़ी बात है पचास लाख करोड़ का बजट है हमारा उसमें सात हजार करोड़ रुपए डेमोक्रेसी के नाम पे खर्च कर दिए तो कौन सी बड़ी बात आपने है? तो अपनी किताब में करीब करीब पचपन सौ करोड़ का आंकड़ा लगाया था नहीं पचपन सौ को मेरा बनी है वो, नहीं है, वो एक सेंटर फॉर मीडिया स्टडी लेकिन उसमें है कि भैया पोलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट का खर्चा मिला के इलेक्शन मैनेजमेंट जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है उसके तो कम सर चार पाँच करोड़ है तो वो चार पाँच लोग उसके साठ हजार करोड़ जो कैंडिडेट खर्च करता है मैं इसमें थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ यही बात आ, अभी जो चुनाव होता है जैसे अब लोकसभा का चुनाव है तो उसमें आ, क्या आंकड़ा है कितना खर्चा आता है वो चार पाँच हजार करोड़ के, के करीब ठीक तो है उसका खर्चा आएगा क्योंकि देखिए हमारे स्टाफ कितना है ट्वेल्व मिलियन एक करोड़ बीस लाख हमारा स्टाफ है गवर्नमेंट सर्वेंट है और हालांकि उनको हम तनख्वाही नहीं देते क्योंकि सब गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन हम उनको दो तीन दिन का ऑनरेरियम तो देते हैं उनको ट्रांसपोर्ट तो देते हैं उस सब का खर्चा भी मिला के और ये सारा इंतजाम करते हैं दस लाख बूथ बनाते हैं तो इस, इस सब में चार सौ चार पाँच हज़ार करोड़ जो होता है बस होता है।, है और ये जो आप स्टेट फंड करे वाली बात कह रहे हैं जो सुनने में बहुत अजीब लगती है लेकिन क्या ये कहीं और भी हो रहा है और दूसरा ये थोड़ा सा और समझाइए कि पैसा किस तरह बटेगा फिर नहीं क्वाइट राइट देखिए स्टेट फंडिंग में लक्ष्य नहीं है कि भाई Uh, मैं तो कहता हूँ कि कैंडिडेट को तो दिए जाने का कोई मतलब नहीं वरना जिस दिन पैसा बटने लग जाए क्या आप uh, सरकार इलेक्शन लड़ा रही है तो सारे लोग लाइन uh, लगा के खड़े हो जाएंगे जब सर तो लाओ भाई पैसा दे दो हमें भी एक करोड़ उसमें से uh, अस्सी लाख जेब में रखेंगे बीस लाख का फर्जी इलेक्शन लड़ेंगे तो ये तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशन जाना चाहिए स्टेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए क्योंकि वो एक संगठन है और उसका भी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि उसको पिछले इलेक्शन में वोट कितने मिले थे अच्छा आप सारी फिगर सर्च कर सकते हैं लेकिन वोट कितने मिले थे वो नींद झूठ बोल सकते वोट अगर आपको 570 मिले हैं तो पाँच इकहत्तर नहीं कह सकते आप वो तो वो पक्के फर्म फिगर है हम कहते हैं कि हर वोट के ऊपर सौ रुपये आप ले लीजिए हमसे ठीक है और उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको डिग्निटी से चेक से आपको पैसा मिल रहा है किसी के आगे भीखनी मांगनी पड़ेगी या किसी की टांग मरोड़नी हाथ मरोड़ना टांग तोड़ना नहीं पड़ेगा जो करप्शन नहीं करनी पड़ेगी जिस तरह के जैसे चंदे इकट्ठे किए जाते हैं ये सब खत्म हो जाएगा फिर ये हुआ कि सौ रुपए पर वोट के हिसाब से क्या जो पैसे दिया जाएगा वो इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी होगा मेरा जवाब है कि काफ़ी होगा किस बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारी पार्टियाँ अपना हर साल इलेक्शन कमीशन को बताती हैं कि हमने कितना चंदा इकट्ठा किया पाँच साल में उनका पाँच साढ़े पाँच छः हज़ार करोड़ इकट्ठा बताते हैं जब सारी पार्टियां ऑलरेडी साल साल तो बता रही हैं कि हमने पाँच हज़ार करोड़ इकट्ठा किया तो उतना ही तो खर्चा हुआ हम पाँच हज़ार के बजाय आपको सात हज़ार करोड़ दे रहे हैं सात हज़ार करोड़ की फिगर भी कैसे आई कि पिछले इलेक्शन में सड़सठ करोड़ वोट पड़े थे अच्छा सड़सठ करोड़ को सौ से मल्टीप्लाई कर लिए छः हजार सात सौ करोड़ हो गए तो छः हजार सात सौ करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है तो गणित आसपास बैठ रहा है बिल्कुल आसपास बैठ रहा है उतना उतना उससे ले लीजिए तो ये हमने उसकी फॉर्मलेसन की है कि इसको स्टेट फंडिंग हो जाए पोलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ठीक है, है। आ, मैंने ये भी पूछा था कि क्या ये सिस्टम कहीं और भी चल रहा है ये यूरोप के सत्तर देशों में चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है तो कोई वजह नहीं कि इंडिया में भी नहीं चल चलेगा क्यों नहीं हालांकि ये चीज़ तो मैं दस साल से लिख रहा हूँ इस पर आर्टिकल तो लेकिन कभी इस पर मैंने किसी को डिस्कस करने करते नहीं देखा अरे भाई कोई नेता लोग इसको इस प्र, मेरे इस प्रस्ताव को गाली दे दें लेकिन बोले तो सही सुने तो सही देखे तो सही वो उसको इसकी तरफ देखने को तैयार नहीं थे आप शायद तैयार हो जाएं थोड़ी बहुत क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई हो गई है ना कान मरोड़े सुप्रीम कोर्ट ने आप शायद अब ऑल्टरनेटिव की तलाश शुरू होगी तो शायद ये प्रपोजल सामने आया एक आध टी प्रोग्राम में मैंने बोला बल्कि आप ही क्या आई थिंक राहुल के कमल के या राजदीप के उसमें क्योंकि मैंने बताया था उसको उन्होंने अंडरलाइन किया कि ये ये तो अच्छा सुझाव है तो जिसमें मैंने जो दो जो वो सुझाव जो अब बताने जा रहा हूँ मैंने उसमें कहा था कि देखिए नेशनल इलेक्शन फंड बना लीजिए जैसे नेशनल रिलीफ फंड होता है जो किसी भी कैलामिटी होती है उसके लिए नेशनल रिलीफ फंड को देने में तो किसी को डर नहीं लगेगा हुँ। तो और उसको देश को दे रहे हैं, दे रहे हैं। और टैक्स का रिलीफ पूरा हंड्रेड परसेंट उसको मिलेगा तो नेशनल इलेक्शन फंड बना दीजिए उस फंड से सौ रुपये पर पर वोट के हिसाब से बांट दीजिए फॉर्मूला फुल प्रूफ है किसी को आपत्ति आप नहीं होगी इस पर यह जरूर है कि कोई लोग सवाल करते हैं कि साहब ये तो आप इलेक्शन के बाद देंगे और पैसा तो इलेक्शन से पहले चाहिए पहले होता है उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि जब आप देखिए बैंक के पास भी कर्जा लेने जाते हैं आप बैंक के पास जाके कहेंगे साहब मुझे कर्जा दे दो मैं लैंड खरीदूंगा उसके बाद बिल्डिंग बनाऊंगा या फैक्ट्री बनाऊंगा तो बैंक पूछेगा तुमने अपना कैसा कितना पैसा लगाया कह मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया तो वो आपको दो जूते मार के भगा देगा कि वो चाहता है कि आप थर्टी फोर्टी परसेंट पहले अपना कमिटमेंट अपना डालो उसके उसी के बाद तो सीरियसनेस होगी ना फिर वो देता है तो यहाँ पे ये है कि भैया पहले अपना सीरियसनेस तो दिखाओ कि आप सीरियस पोलिटिशियन हो सीरियस पार्टी हो तो पहले आप अच्छा एक इलेक्शन लड़ो और क्या ये संभव है मिसाल भी हमारे सामने ताज़ा ताज़ा है आम आदमी पार्टी ने पहले इलेक्शन बगैर पैसे के लड़ा था क्राउड फंडिंग से लड़ा था और कितनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीता था उसके बाद उनको सौ रुपए पर वोट के हिसाब से करोड़ों रुपए मिलेंगे है ना तो ये इसलिए ये बहुत ही डुएबल ऑप्शन है और इस पर विचार होने चाहिए अब आप डिबेट कराइए आप अपने पॉडकास्ट के ज़रिए आपने ये जो आइडिया है अपनी किताब में भी लिखा है मैं देख रहा था उसमें भी आपने काफ़ी लिखा था ये कि एक कोश बना दो और उसमें लोग फंड कर दें जैसा हर चीज़ में करते हैं और डेमोक्रेसी की कीमत तो है ही मैं भी कह रहा था कि महंगी पड़ती है लेकिन अगर आपको डेमोक्रेटिक सेटअप में चलना है तो इतना खर्च तो करना पड़ेगा लेकिन ये पूरा जो इलेक्शन जिनकी देख में होता है वो है इलेक्शन कमीशन और जैसे आज हर संस्था विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है पुलिस या ही नहीं कोर्ट और मीडिया सब तो इलेक्शन कमीशन पर क्या आंख मूंद कर भरोसा हो सकता है और मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर क्योंकि जब हम ईवीएम पर सवाल करते हैं फिर आप जवाब देते हैं फिर पूछते हैं फिर आप जवाब देते हैं फिर पूछते हैं फिर आप जवाब देते हैं लेकिन कहीं तो कोई एक बिंदु होगा ना जिसपे हमें विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा अगर हम लगातार संशय में रहेंगे सवाल करते रहेंगे तो कहाँ है सिलसिला रुकने वाला ये तो अब आपका सवाल ईवीएम पे है या क्या किस चीज़ पे पर हाँ, मेरा है? पहला सवाल ये है okay. कि इलेक्शन कमीशन पे क्या आखन की भरोसा किया सकता है ये बहुत अहम सवाल आपने किया मैं चाहूंगा कि आंख बंद करके करें लेकिन ये कह नहीं पाऊंगा मैं आज के हालात में क्योंकि पिछले पाँच सात साल में जो उंगलियां उठाई गई वो भी रियलिटी है हाँ लेकिन मुझे तो ये कहते हुए बड़ा दुख होता है क्योंकि इस देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के को, को बनाने में तो लगते हैं साल साल उसकी रेपुटेशन को डिमोलिश करने में कोई टाइम नहीं लगता अब आप बिल्डिंग कहीं देख लीजिए आप ही के नोएडा में दो साल पहले बीस बीस तीस तीस मंजिला इमारतें जो पंद्रह पंद्रह साल में बनी थी, 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 थी और 40 चालीस सेकेंड में गिर गई यही चीज़ रेपुटेशन की होती है रेपुटेशन बनने में साल साल लगते हैं बनने बिगड़ने में पिछले साल इलेक्शन कमीशन पे कुछ क्वेश्चन मार्क तो हुए थे अच्छा मुझे कहते हुए ये इसलिए झिझक होती है कि मैं खुद उसका चीफ रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि देखो खुद चीफ था, था तो आपने सक्सेसर को बुरा कह रहा है ये बिल्कुल मेरे कहने की मंशा नहीं है लेकिन ये ज़रूर है कि उस इमारत में दो चार ईंटें तो मैंने भी लगाई थी और उसमारत इमारत में क्रायक आते देखूं और गिरने का डर देखूं तो मुझे तो आपसे ज़्यादा दुख होगा बिल्कुल है ना इसलिए अगर मैं चिंता व्यक्त करूं तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे तो फैक्ट यह है कि इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठाए गए मुझे उससे हमेशा तकलीफ होती थी ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन को जो क्वेश्चन कर रहा है वो मेरे मुँह पे थप्पड़ मार रहा है तो आई विश ऐसी सिचुएशन ना आती कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठते हालांकि ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्शन को इस टाइम पर जो सवाल उठते हैं ना वो इक्का दुक्का इश्यू इस टाइप के होते हैं कि मॉडल कोड में बराबरी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन है जिसमें मैंने आपको बताया कि एक करोड़ बीस लाख तो स्टाफ है दस लाख पोलिंग स्टेशन है और नब्बे देशों के बराबर हमारे यहाँ वोटर हैं इंडिया का इलेक्शन ऐसा है कि जैसे जैसे नबे देशों में इलेक्शन हो रहा हो इतना अच्छा इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन के ऊपर दरअसल ही आँच आ जा जाए क्योंकि उसने मॉडल कोड में इंसाफ नहीं किया था तो ये भी इलेक्शन कमीशन के साथ नाइंसाफी है कि भाई आप उनकी अचीवमेंट भूल गए इतना बढ़िया काम कर दिया वो भूल गए और उनकी छोटी सी या एक बड़ी सी कोताही को पकड़ के बैठ जाएं तो ये भी ठीक नहीं है अभी ये देखने में आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो या कोई गठबंधन है मतलब मिलजुल के जाके समय मांगते हैं समय नहीं मिलता है ई पर बहुत तरह के जवाब भले ही इलेक्शन कमीशन के पास हों लेकिन फिर भी मन में सवाल लोगों के रह ही जाते हैं हमारी चिंता ये है एक वोटर के नाते या प्रो डेमोक्रेसी के नाते मतलब मैं चाहता हूँ सेटअप रहे आ, उसके समर्थक के नाते कि अगर धीरे धीरे भले पॉलिटिकल पोलिटिकल पार्टी किसी एजेंडे के तहत ही कर रही हूँ लेकिन अगर ये विश्वास कम होता गया कि चुनाव कराने वाला ही करप्ट है या वही मिला हुआ है किसी के साथ तो ये जो इतना ताम झाम है जिसमें इतने लोग लगे हैं जिनकी आप संख्या गिना रहे हैं इतना पैसा लगा हुआ है इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा इनफैक्ट आप ही अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि इकोनॉमिस्ट का एक सर्वे आया था और उसमें उन्होंने हमें आ, बहुत अच्छा नहीं आखा है डेमोक्रेसी के लिहाज से फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा है खासकर 2016 से 2020 के बीच में हमारी रैंकिंग गिरी है तो आपने कहा बहुत अच्छा इलेक्शन नब्बे देशों में जैसे हो रहा हो लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की रेटिंग इस तरह की रैंकिंग बिल्कुल ये आपने ठीक पॉइंट पकड़ा कि देखिए एक तो ये जब जिस वक्त मैंने किताब लिखी थी पहले 2014 में उसका नाम था एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन ये किताब का नाम इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने इलेक्शन को अनडॉक्यूमेंटेड वंडर बोल रहा हूं उसके बाद ये मैंने ये पढ़ा इकोनॉमिक्स का सर्वे ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें हमारी डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी ये डिफेक्टिव डेमोक्रेसी बताया तो मुझे भी गुस्सा आया जैसे कि इंडियन का रिएक्शन होता है कि कंस्परेसी थेरी ये तो हमारे खिलाफ़ षडयंत्र हो रहा है कि जानबूझ के वेस्टर्न वर्ल्ड हमको ऐसा दिखाना चाह दिखाई तरक्की से चल रहा है।, है ना वो तरक्की से चल रहा है इसलिए वो हमको ऐसे दिखाने के लिए ये कर रहा है लेकिन जब मैंने पढ़ा उसको गौर थे कि भाई किस वजह से हमारा रैंकिंग लो आ रही है तो पाया कि वही चिंताएँ जो हम दिखा रहे हैं उसी वजह से अब जैसे उसमें एक चीज़ निकल गया है कि हमारे यहाँ इलिट्रेसी तीस पच्चीस फीसदी लोग यानी तीस करोड़ लोग अनपढ़ हैं तो एक तो उससे ये सारी बात बताने से पहले मैं बता दूं कि अच्छा इलेक्शन और अच्छी डेमोक्रेसी इक्वेट नहीं की जा सकती हम इलेक्शन में हमको दस में से नाइन पॉइंट सेवन मिल रहा है उसी इंडेक्स में डेमोक्रेसी <laughs> में हम डिफेक्टिव हैं क्योंकि हम पच्चीस परसेंट लोगों को शिक्षा नहीं दे पाए सत्तर साल में फोर्टी थ्री परसेंट एम के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं आज में जो हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं उन्होंने खुद एफिडेविट दिया है तो ये दुनिया हमसे पूछती है कि साहब आदि पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग अगर बैठे हैं तो ये क्या इंसाफ करेंगे ये क्या कानून बनाएंगे क्रिमिनल को इलेक्शन लड़ने से डिबार कैसे करेंगे तो इस वुमेन के पार्टिसिपेशन फोर्टी नाइन परसेंट प्लस वुमेन है दस परसेंट ग्यारह परसेंट औरतों को शिरकत मिलती है इन वजह से अगर हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में फ्लॉड मानने जाते हैं तो हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को ब्लेम करना होगा अपने गिरबार में मुंह डालना होगा और सुधार करना होगा तो इसलिए ये जो इंडेक्स ने हमको नीचे दिखाया तो इससे दो चीज़ें निकली कि अच्छा इलेक्शन का मतलब अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है अच्छे इलेक्शन तो हमने कर दिया लेकिन तैंतालीस फीसदी क्रिमिनल को जीतने से तो नहीं रोक सके हम क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं है लेकिन हमारे इख्तियार में कुछ चीज़ें तो हैं सर जैसे हमारे यहाँ जो एक बहस लंबे समय से चल रही है कि हमने किसी को चुनकर भेज दिया और अब वो वैसा काम नहीं कर रहा जैसा हम चाहते हैं तो उसे हम वापस बुलाने क्या राइट टू रिकॉल या एक बहुत लंबी बहस नोटा पर चलती रही आज भी बहुत सारे लोग जैसा आप कह रहे थे ना कि गवर्नमेंट से कुछ लोग कहते हैं वोट ही नहीं दिया आज बहुत सारे लोग निराश होकर वही लोग जो वोट नहीं देते चले आते हैं लेकिन नोटा देते हैं तो कुछ का ही कहना है कि नोटा भी मतलब खराब ही हो गया वोट ये भी हुआ है ऐसी दो तीन चीज़ें हैं मैं ये चैलेंजेस देख रहा हूँ तो मतलब इन्हें ठीक करने की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं सिर्फ बात ही कर रहे हैं नहीं अब आपने जो बातें कही नहीं दो बातें मेनली आपने कही एक तो राइट टू तो रिकॉल का जिक्र किया दूसरा नोटा का तो मैं दो ये दोनों अलग इशू हैं इसलिए मैं इनका अलग जवाब दूंगा ये राइट टू तो रिकॉल का तो ये पहले अन्ना हज़ारे ने उठाया था और मैंने और राइट टू तो रिजेक्ट दो चीज़ें उन्होंने कही थी मैंने दोनों को रिजेक्ट किया था अच्छा उस वक्त मैं सी सी था तो अन्ना हज़ारे मिलने आए प्रोटेस्ट करने के साथ आपने तो हमारे दोनों प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैंने उनको समझाया मैंने कहा देखिए राइट टू रिकॉल बड़ा ख़तरनाक प्रपोजल है राइट टू रिकॉल का क्या मतलब है कि जी आपको एम एल का काम खतरा अच्छा नहीं लगा आप उससे कहें कि ए, उसको निकाल लिया जाए वहाँ से तो राइट टू रिकॉल तो हमारे पास है पाँच साल बाद इलेक्शन होता है उसमें निकाल दीजिए तो आपको जल्दबाजी क्या है कि फ़ौर ही निकालना है और सेकेंडली फ़ौरन निकालने के लिए लीगल बेसिस क्या है आप मैं लोकसभा का इलेक्शन पाँच लाख वोट से लेके आया हूँ आप चार लाख नब्बे हज़ार से रनर अप रह गए तो आप तो मेरी कामयाबी से जल रहे हैं तो आप मुझको निकलवाने के लिए राइट टू रिकॉल मूवमेंट चला देंगे राइट टू रिकॉल कैसे होगा पाँच हज़ार लोग दस हज़ार लोग दस्तखत करेंगे कि ये कुरैशी वाला नलाक है इसको निकाल दो hmm. न मैं पाँच लाख वोटों से जीत के आया हूँ पाँच लाख वोट लेके आया हूँ दस हजार वोट मुझको कैसे निकाल सकते हैं hmm. hmm. ना तो वोटर का भी तो राइट है जितने मुझे चुना है तो किस बेसिस पे आप इस तरह निकाल सकते हैं और दूसरे उस देश में मेंस्टेबिलिटी इन, हो जाएगी क्योंकि आप याद रखिए कि इलेक्शन सिर्फ़ कनॉट प्लेस दिल्ली और नोएडा में नहीं होता ये माउस्ट एरिया में भी होता है कश्मीर में आप तो कश्मीर में हालात बेहतर हो गए जब बहुत ख़तरनाक हालत है वहाँ होता था मणिपुर नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के डेंजरस एरियाज में होता है वहाँ पर और हम ही को मालूम है कि वहाँ पे पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए हमारे साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स जाती है उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है क्योंकि बेटे जैसे उनकी बहुत सारी जो होती हैं ना लैंड माइन प्रूफ गाड़ियाँ वो ऐसी माइन फटती है कि चालीस चालीस फुट ऊपर जाए तो वो इतनी मुश्किल से हम इलेक्शन करा के निकले और आपकी हॉबी है प्रोटेस्ट करना छः महीने बाद आप दोबारा रिकॉल करके दोबारा इलेक्शन कराएं हम इसी तरह करते जाएं और सेकेंडली आप इसमें यह पूछिए वोट कौन करता है मैंने आपको बताया बार बार एक करोड़ बीस लाख कौन लोग हैं ये स्कूल के टीचर हैं पटवारी हैं छोटे मोटे स्टाफ हैं ज़रा इनसे तो पूछिए कितनी इनको कष्ट होता है वहाँ जाने में तकलीफ और और आप के अपनी हॉबी हो गई कि बार बार इलेक्शन कराना आपके लिए खेल हो गया उनके वो अपनी जान हथेली पर लेके इलेक्शन कराने जाते हैं तो ये तो इंस्टेबिलिटी चाहिए इस पर मुझे अन्ना हज़ारे साहब ने कहा कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं सोची थी ये डिमांड तो मैं आज ही फ़ौरन ख़त्म कर फ़ौर मान फ़ौर मान, मान, मान गए थे दूसरी चीज़ आपने नोटा की कही थी नोटा में जो एक जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया था क्योंकि ये जनता की भी कुछ सिविल सोसाइटी की भी डिमांड थी और इतफाक़ से इलेक्शन कमीशन की डिमांड भी थी लेकिन हम दोनों के डिमांड के कारण अलग अलग थे अन्ना हजारे साहब इसलिए ये कहते थे कि भाई अगर ये सारे कैंडिडेट चोर हैं और सब क्रिमिनल हैं और हम इनको डिबार करने में सफल हो गए तो एक ही तरीका है कि ये इलेक्शन लड़ें बीस तीस करोड़ खर्च करें और इनको जनता रिजेक्ट कर दे और उनका बीस करोड़ भी वेस्ट हो जाएगा तो दोबारा पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी तो उनका कहना है मैं अच्छा मैंने जिस वजह से रिजेक्ट किया था कि भाई देखिए वही आपने राइट टू तो रिजेक्ट कर दिया तो तीन महीने बाद दोबारा इलेक्शन तो करना पड़ेगा तो जो बार बार इलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो फिर सामने आती उस पर उन्होंने अन्नाजार ने कहा कि साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बार बार इलेक्शन नहीं होंगे एक दो बार ज़रूर होंगे क्योंकि जो चीज़ आप करने में असफल हो गए हैं कि आप क्रिमिनल को दूर रखने में नाकाम हो गए आप बीस बीस पचास पचास करोड़ खर्च होता है उसको रोकने में नाकाम हो गए लेकिन राइट टू तो रिजेक्ट के ज़रिए कि बीस करोड़ रुपए जिसने खर्च कर दिया या क्रिमिनल को खड़ा कर दिया और जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो पोलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको दोबारा टिकट दे तो मैंने कहा यह बात आपकी माक़ूल है इसके ऊपर विचार करना चाहिए इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए तो वो डिबेट आगे नहीं हुई लेकिन उस हद तक मैंने कंसीड किया और अपनी किताब में एडमिट किया कि मैंने अपने उससे स्टैंड को चेंज किया कि उनकी ये बात मुझे माक़ूल लगी और जो बात उनको मेरी रीजनेबल लगी उन्होंने उसको मान लिया था आ, लेकिन अब जो नोटा हमने क्यों नोटा मांगा हुआ था कि वो चाहते थे कि नोटा के जरिए राइट टू रिजेक्ट क्रिएट हो जाए कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलें तो बाकी सारे कैंडिडेट रिजेक्टेड डिक्लेयर हो जाएं और वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे लड़ सकेंगे हम उसमें विश्वास नहीं रखते कि देखिए नोटा की वजह से जो कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे उसमें तो नितिन भी हो सकते हैं कुरैशी भी हो सकता है हमारा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमने तो कभी कोई भी मानी नहीं की हम क्यों डिबार हो जाएं किसी पाँच सात दस क्रिमिनल कैंडिडेट की वजह से तो लीगली उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा कि एक आदमी का भी राइट फंडामेंटल राइट इनोसेंट आदमी का अगर होता है तो वो कभी भी कोर्ट नहीं मानेगी तो इस लेकिन हम फिर भी हम इसलिए चाहते थे क्योंकि इम्पर्सनेशन वो होता क्या था कि कई बार नितिन वोट देने गए पता लगा जी आपका वोट तो ऑलरेडी जा दिया जा चुका है तो वो ऐसा ना हो कि आप खुद पर्सनली जाए बटन दबाएं और कोई इमेट न कर सके अच्छा तो इस वजह से हम नहीं चाहते थे कोई एक चारा तो है कम से कम जी। कि चलिए मैं जाके नोटा ही दबा दूँ नोटा ही, तो ही जगह कोई और तो नहीं तो है ठीक है आप वोटर के राइट की बात कर रहे थे यहाँ होता यह है कि किसी नेता को वोट देकर विधायक बनाया और वो दस पाँच विधायकों के साथ दल तोड़ता है और कहीं जाके किसी और को सीएम बनवा लिया एट्टी से कोशिश चल रही कि ऐसा ना हो आज भी दिखता तो नहीं है ऐसा ये समस्या तो बहुत बड़ी है मतलब आपने खुद अपनी किताब में महाराष्ट्र का जिक्र किया जी जी जिसमें शिवसेना और भाजपा गठबंधन खड़ा था लोगों ने उसके खिलाफ या उसके समर्थन में वोट दिया और जो गर्भ से नतीजा निकला वो निकला शिवसेना कांग्रेस एनसीपी बिल्कुल ये जो एंटी डिफिक्शन लॉ है ये तो जैसे आपने कहा कि 85 फाइव ये कब से इसके ऊपर डिबेट चलते रही है और इसका कोई समाधान निकल नहीं पाया पहले तो ये था कि वन थर्ड लोग अगर निकल जाए और तो उसको एक पार्टी स्प्लिट मान लिया जाएगा वो तो बड़ा आसान था वो सिर्फ छः ही एम हैं उनमें से दो वन थर्ड तो दो ही हुए दो इधर से उधर चले गए सरकार गिरा दी तो उसको उन्होंने किया कि नहीं टू थर्ड होने जाए फिर टू थर्ड भी आसान था कि छः में से चार चले गए फिर इसको कर दिया गया कि नहीं अगर आप पार्टी छोड़ेंगे तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा एम और एम पी शिप से दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो हो क्या रहा है कि वो उस, उससे भी इसका समाधान नहीं हुआ क्योंकि सपोज एक किसी पार्टी की गवर्नमेंट को गिराना है अब कर्नाटक में एक दफ़ा ये होता था और ये जो र्यूमर हमने सुनी थी खुदा जाने कि सौ सौ करोड़ रुपए एक एम एल को दिए जाए कि कैसे आप रिज़ाइन कर दो बीस एम एल ने दस एम एल ने रिज़ाइन कर दिया सरकार गिर गई ठीक है उन्हीं एम को दूसरी पार्टी ने टिकट दे दिया चार महीने बाद इलेक्शन लड़के दस में से आठ तो जीत के आ ही जाते हैं तो तीन महीने का उनको बस एक ब्रेक मिला फिर वापस आ गए और हम मंत्री भी बन गए तो इसलिए एंटी डिफेक्शन का तो फायदा नहीं हुआ इसका मैंने जो एक समाधान सजेस्ट किया है कम से कम हालांकि फुल समाधान वो ये भी नहीं है कम से कम ये होना चाहिए कि छः साल तक ये रिज़ाइन तो इन्हें करना ही पड़ेगा लेकिन छः साल तक ये इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे ये अच्छा कि एम एल भी नहीं बनेंगे एम भी नहीं बनेंगे हालांकि ये समाधान मैं कह तो कह रहा हूँ कि इसलिए समाधान नहीं है कि देखिए हर चीज़ की प्राइस होती है सौ करोड़ रुपए दे दीजिए वो कहेगा मैं छः छः साल क्यों मैं साठ साल नहीं लड़ूंगा सौ सौ करोड़ में तो मेरी छह नस्लें बड़े आराम से रहेंगी तो दाम बढ़ा दीजिए सरकार गिरा दीजिए दाम बढ़ा दीजिए उसको दोबारा इलेक्शन में लड़ाने लड़ा देगा नहीं पत्नी को लड़ा देगा पत्नी को लड़ा देगा मुझे उससे याद आया उससे एक उदाहरण की जैसे बहुत सारे लोग किसी कहने पर कत्ल करके जेल चले जाते हैं वो इस लालच में कि भ चालीस पचास लाख दे दो बाहर रह के भी नहीं कमा सकूंगा ठीक है दस पाँच साल की जेल हो जाएगी बिल्कुल वही लग रहा वो, वो है वही झगड़ा पत्नी को कर देगा या इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो मौज करेगा घर में लेकिन पोलिटिकल हो गया इलेक्टेड सरकार गिरा दी गई ये सब मैंने पढ़ा आपकी किताब में बहुत ज़रूरी है ये सब पढ़ना समझना क्योंकि हम चैलेंज समझ नहीं पाते पर मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम सिर्फ बात कर रहे हैं या कहीं कोई है जो उसके समाधान भी ढूंढ रहा है ढूंढ भी रहा है या नहीं ढूंढ रहा है मेरे ख्याल से जो इसकी सारी डिबेट होती है बड़ी सुपरफिशियली रही है हुँ. क्योंकि अगर इसके ऊपर एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बने पार्लियामेंट्री कमेटी बने अच्छे लोगों की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन उसमें जो क्वालिटी के लोग हैं जूरिस्ट हैं लॉ को समझने वाले हैं वैसे बिठाएं तो कोई ना कोई हल तो हर चीज़ का होता ही है क्योंकि मतलब मैं पता नहीं अपने शब्दों में कहूँ कैसे लेकिन सच में जो हमारे आसपास लोग हैं वो सच में ये बात बहुत बार बोलते हैं कि वोट दो या ना दो उसका कोई मतलब तो है नहीं जो होना है जो करना है लोग कर लेते हैं तो ये एक बहुत अहम टिप्पणी है जी, हमारे उसे हम भले सुन के निकल जाते हैं लेकिन अगर किसी के अंदर ये भाव ही खत्म हो जाए वोटर के कि मेरे वोट देने या ना देने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं बल्कि कई लोग ये कहते हैं कि आजकल तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं हाँ कोई भी इलेक्शन जीत के आ जाए उसको ख़रीद लीजिए शाम तक खरीद के आपके पास आ गया तो आपकी पार्टी बन गई आपकी सरकार बन गई कितनी सरकारें इसी तरह बनी है कि एम एल एम पी एम एल ए कोई था नहीं लेकिन जीते दूसरे के थे खरीद लिए सरकार बन गई बन गई पार्टी तो पॉलिटिकल माइंड तो बड़ा शातिर होता है उसको काउंटर सोचना पड़ेगा आप सहमत हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद आज भी जो क्रिमिनल्स हैं वो संसद में पहुंच रहे हैं विधानसभा में पहुंच रहे हैं अभी भी मैंने हैं। आपको बताया मैं तो आपको फिगर दी तैतालीस फीसदी एम पी बाय देर ओन एडमिशन एफिडेविट उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं और उनमें से कई के खिलाफ तो मल्टीपल केसेज हैं और गंभीर अपराध यानी रेप डिकॉइटी मर्डर किडनैपिंग इस टाइप के चार्जेस वाले चार्जेज में ये जिनकी अच्छा उसके लिए इलेक्शन कमीशन बार बार एक सुझाव देता रहा है जिसको सीरियसली लिया नहीं गया इलेक्शन कमीशन ने तीन बातें कहीं कि इनको इलेक्शन लड़ने से सिर्फ गंभीर अपराध जिसके खिलाफ हो जिसकी सज़ा पाँच साल या उससे ज़्यादा होती है सिर्फ उनकी बात करो क्योंकि तो लोग क्या क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के भाई देखिए झूठे सच्चे कैसे तो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ होते रहते हैं हुँ. और किसी ने सेक्शन दफ़ा एक की वायलेशन कर दी किसी ने किसी को गाली दे दी हुँ. किसी को थप्पड़ मार दिया हुँ. तो हम कहते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाओ रेप और डेकोटी मर्डर किडनैपिंग जिनके पाँच साल से ज़्यादा से ज्यादा उसको तो नहीं भूल सकते ना तो सिर्फ ऐसे लोगों को वंचित कर दीजिए इलेक्शन लड़ने से फिर ये कह था वो अगेन झूठा केस वाला उसमें ये कि यह एफ आई आर कम से कम एक साल पहले रजिस्टर हुई हुई हो ताकि अच्छा। उसे एक साल में अगर आपका केस झूठा है ठीक कर लें तीसरा सेफ गार्ड वो इससे भी से इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड है कि एक अदालत उसमें चार्जेस चार्जेस फ्रेम कर दे अच्छा अब ये मर्डर केस अगर है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है हाई कोर्ट से बाद सबसे हाईएस्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज है अगर उसने चार्जेस फ्रेम कर दिए वो तो न्यूट्रल है पुलिस तो न्यूट्रल नहीं है माना कि वो दबाव में जो चाव करा लो उससे लेकिन कोर्ट तो न्यूट्रल मानी जाती है तो कोर्ट ने अगर ये चार्जेस फ्रेम कर दिए तो उसके बाद आप इनको उससे वंचित कर दीजिए जवाब क्या दिया जाता है जो कुछ हद तक ठीक है कि देखिए देश का कानून ये है कि यू आर इनोसेंट टिल ट्रूव गिल्टी बिल्कुल यानी जब तक आप कन्विक्ड ना हो जाए जब तक आप इनोसेंट हैं मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है जिसका आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया जबकि उस ऑडियंस में जजेस और और बिग बिग लॉयर्स बैठे होते हैं उसका जवाब दे दें मैंने कहा था कि हिंदुस्तान की जेलों में चार लाख प्रिजनर्स हैं आजकल उसमें से दो लाख सत्तर हज़ार अंडर ट्रायल हैं यानी अभी कन्विक्स नहीं हुए हैं कन्विक नहीं हुए तो इसका मतलब है इनोसेंट हैं, इनोसेंट हुए ना इन इनोसेंट लोगों के चार फंडामेंटल राइट आपने छीन रखे हैं राइट टू तो लिबर्टी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इन ट्रेड राइट टू डिग्निटी तो, तो विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ इसी एग्जिस्टिंग कानून के दायरे में ही आपने उनके चाहता फंडामेंटल राइट छीन लिए इलेक्शन लड़ना तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है उसको छीन लिया या साल भर के लिए सस्पेंड कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है वो तो स्टेचूट राइट है एक साल के लिए कर दो सस्पेंड लॉ कमीशन उसमें तो सारे जोरिस्ट ही होते हैं उन्होंने रिकमेंड किया भाई सुप्रीम कोर्ट के पास गया था सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उन्होंने भी यही वो लिया कि भाई इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी उन्होंने भी यही लिया दीपक मिश्रा वाला दूसरी चीज़ में ये अल्टरनेटिव भी था कि चलो अगर उस पर वो इतना ही सैक्रोसेंट है तो आप दूसरी चीज़ के भाई कम से कम इनकी स्पीडी ट्रायल कर दीजिए बीस बीस साल तक अंडर है इमेजिन कीजिए कि एक पोलिटिशन जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है कत्ल का इल्ज़ाम है वो पंद्रह साल बीस साल उसका केस चल रहा है और बीस साल तक वो मंत्री बना हुआ है वो तो सारी हरकतें उसकी जारी रहेंगी ठीक है तो इसलिए 2003 में ही इस पर ये हुआ था कि पहले तो पता ही नहीं था कि क्रिमिनल कौन है और किसका क्या है तो सिविल सोसाइटी पी यू सी एल एंड ए डी एडी आ रही ये गए सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमारा फंडामेंटल राइट right है टू नो और हमारा एक -एक, कौन कैंडिडेट्स हैं जिनको वोट दें हुँ. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये जनता का वो है और ये हर एक को एफिडेविट देना पड़ेगा तो पार्लियामेंट ने क्या एग्जीक्यूटिव ने सरकार ने क्या चलाक की दो हज़ार तीन की बात है कि एक्ट पास कर दिया उसमें के जो कन्विक्शन है वो सिर्फ वो बताई जाएगी और जो अंडर ट्रायल है वो नहीं बताया जाएगा तो ये लोग कोर्ट में फिर चले गए कोर्ट ने उसको ल, अ, 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 अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है निकाल के फेंक दिया कि साहब आप हमारे जजमेंट को आप कैंसिल करने के लिए चलाकी करो नीचे लगी अंडर ट्रायल भी बताओ कन्विक्शन पे तो आप डिस्कालीफाई हो ही जाते हैं अंडर ट्रायल ही तो इशू था इसमें तो अब दूसरी तरफ ये हो गया जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ये बनाई जाए 2013 में या चौदह में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया और उस वक्त अभी बीजेपी की नई नई सरकार आई थी उसने भी फ़ौरन मुझे याद है उन्होंने इंस्ट्रक्शन स्टेट को जारी की कि भाई इसको कोर्ट का ऑर्डर था कि सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को कि आप ये केसेस सारे एक साल के अंदर फैसला कीजिए और अगर किसी वजह से आप नहीं फैसला कर पाते तो उसका रीज़न अपने चीफ जस्टिस को बताइए तो गवर्नमेंट ने भी एक चिट्ठी जारी कर दी कि भाई इनको पूरा सहयोग दो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आज रिव्यू करे चौदह चो, साल हो गए सॉरी दस साल हो गए दस साल में फास्ट ट्रैकिंग कितनी हुई कैसा चल रहा है ये सिस्टम किसी को नहीं मालूम ये जो संपत्ति बताना है सार्वजनिक रूप से सा, हलफनामा भरना इसके अलावा और भी जानकारियां दी जाती हैं अभी आपने ये भी कहा कि भाई संगे अपराध हैं तो उस पर भी ठीक है रोकथाम कुछ है लेकिन आपको क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इतनी सब कोशिशों के बाद कोई फ़ायदा हुआ है एक हद तक तो हुआ होगा किस चीज़ में कि अपराधियों को हम जाने से रोक पाए अभी बिल्कुल हुआ? नहीं रोक पाए जरा सा भी नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं रोक पाए बिल्कुल नहीं रोक पाए, पाए। बल्कि एक स्टडी हुई थी बेंगलोर में किसी ने की थी जिसमें ये देखा गया कि अगर आप अपराधी हैं और करोड़पति हैं आपके चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं क्योंकि उसकी वजह है कि ये अपराधी तो जिस जहाँ जिस इलाके में रह रहा है वहाँ अपने वोटर को ये अच्छी तरह देखभाल करता है अपनी डकैतियाँ बाहर जाके मारता है अपने इलाके में जब ठीक रहता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो झगड़े भी निपटा देता है कोर्ट में हम चले जाएँ तो बीस साल लगते हैं हम अपने जो दादा हैं हमारे एम पी एम उनको जाके बोलते हैं वो तो फ़ौरन दोनों पार्टी को बुला के फैसले करा देते हैं तो इसलिए जनता इन लोगों को वोट दे रही है हुँ. तो हालांकि जनता को ब्लेम करना कि जो जनता ही जिम्मेदार है ये तो गलत होगा लेकिन जनता को इस पर सोचना होगा कि भाई क्रिमिनल को वोट देने से पहले सोचे नेता जो चुनाव है इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खूब उल्लंघन करते हैं मैं एक आम पाठक या वोटर के नज़रिये से कह रहा हूँ हम पढ़ते हैं कि कल फला फला जी ने ये कह दिया और फिर अगले दिन आता है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा या आएगा कि उनका प्रचार रोक दिया हम उन्हीं नेताओं को जीतते हुए देखते हैं और ये एक चुनाव का सिलसिला नहीं है बल्कि लगातार कई बार हुआ है तो मैंने लिख के रखा था कि ये सवाल तो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि हमारे आसपास लोग ये कहते हैं कि यार इलेक्शन कमीशन कुछ बिगाड़ नहीं पाता इनका तो हो क्या रहा है क्या नेता ज्यादा मजबूत है इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं है उतनी या ताकत है वो प्रैक्टिस कम कर रहा है देखिए ये लोग इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं ये बड़े ज्यादती है बड़ा गलत है कि इलेक्शन कमीशन तो वही चीज कर सकती है जो विद इन द एक्ट उसके पास पावर है हाँ। किसी को क्वालिफाई या डिस्कालीफाई कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है ये तो पार्लियामेंट की पावर है क्वालिफिकेशन निर्धारित तो पार्लियामेंट करती है तो हम पार्लियामेंट को यानी सरकार को बार बार लिख चुके हैं कि भाई आप एक्ट पास करके ये ये लेके आइए तो इलेक्शन कमीशन का इसमें कसूर नहीं इसीलिए ताकत ताकत इस चीज़ की ताकत नहीं है इसकी ताकत नहीं है क्या क्या कर सकता है सर बिल्कुल मतलब चरम पर क्या कर सकता है सबसे बड़ी ताकत पूछ रहा हूँ मैं चुनाव के दौरान बता, मैं बता हाँ मैं बताता हूँ क्या कर सकता है सपोज हम के हम तो ये कह के हार गए कि क्रिमिनल को टिकट न दो क्रिमिनल को टिकट मिल गया तो हम जो क्या करते हैं एक जमाने में सौ सौ मर्डर हो जाते थे पोल डे पे और पोलिंग ईयर में साल साल मर्डर एक ही स्टेट में हो जाते थे अब नहीं होते वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है क्या करता है कि जब इलेक्शन लड़ने आप कोई क्रिमिनल जाता है हम उसके पीछे एक वीडियो कैमरा लगा देते हैं चौबीस घंटे उसके पीछे लगा रहता है वो मुड़ मुड़ के देखता है कि जिस दिस वक्त ये कैमरा इधर उधर होगा मैं थप्पड़ मारूंगा उसकी टांग तोड़ूंगा उसके घुसा मारूंगा जब मुड़ के देखता है कि यार ये कम्बॉक्स कैमरा तो हमको छोड़ ही नहीं रहा तो अपनी ऐसी बदनीयती वो छोड़ के वो घर चला जाता है तो इलेक्शन के दौरान वो बिल्कुल चूहा हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि हमारी विजिल ये एक स्टेप है सिर्फ दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं छः महीने पहले हम जाना शुरू करते हैं इस ज़िलों में सारे एस की और पुलिस कमिश्नर्स की मीटिंग बुलाते हैं हम उनसे कहते हैं कि नॉन बेलेबल वारंट कितने पेंडिंग हैं तुम्हारे उसमें नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है कि साहब किसी ने मर्डर कर लिया उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है पुलिस कहती है तो हमको मिल ही नहीं रहा ढूंढ रहा है हमको मिल ही नहीं रहा जबकि हर तीसरे दिन अखबार में पेज थ्री पे उसका फ़ोटो छपरा होता है पुलिस अंडर पोलिटिकल पर है झूठ बोल देती है तो ये नॉर्मल कोर्स में पुलिस झूठ बोल दे है। हमारे अंडर में जब पुलिस आती है ना तो हम एस पी और डी को कहते हैं पहले हमको ये लिस्ट दिखा दो कि तुम्हारे जिले में कितने नॉन अवेलेबल वारंट पेंडिंग है किसी के यहाँ सौ किसी के यहाँ दो सौ किसी के यहाँ पाँच सौ दूसरी चीज़ हम पूछते हैं कितने कितने दिन से पेंडिंग है कोई एक महीने से कोई दो महीने से कोई छः महीने से कोई दो साल से तीसरा हमारा होता है कि अगर पंद्रह दिन के अंदर अंदर इन सबको तुम पकड़ के नहीं लाए तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो विल सस्पेंड यू और विल ट्रांसफर यू तो पंद्रह दिन के अंदर वो जो चार पाँच साल से गायब है लोग सब ढूंढ के आ जाते ये ताकत होती है उस है ना ताकत जो तो जो ताकत है इलेक्शन कमीशन यूज करने में उसमें कंजूसी नहीं करती ये हमारे पास ताकत है ये हम करते हैं है। बता रहा हूँ आपको एक एक नॉन वेलेबल वारंट क्योंकि यही लोग अगर छुटे हुए होते तो ये जाके गुंडागर्दी कर करते हैं क्राइम करते हैं क्राइम इलेक्शन के दौरान इतना पीसफुल माहौल हो होता है, है। ज, जीरो आप देखिए क्राइम के फिगर देखिए क्राइम के फिगर्स इतने ऑलमोस्ट नियर जीरो हो जाती हैं कि सारे क्रिमिनल दो चीज़ें करते हैं एक तो हमने ये कर दिया उनके पीछे कैमरा लगा दिया दूसरे हमने नॉन बेलवल बेल वारंट में उनको अंदर कर दिया तीसरे एक और हम सी सी का एक वो है कि गुड बिहेवियर का बॉन्ड लेते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन क्रिमिनल हैं कौन गुंडे हैं इस इलाके के और हर जगह का हम हर स्टेट में हर ज़िले में हर कॉन्स्टिट्यूट में एक चीज़ हम कहते हैं जिसको वलनरेबलिटी मैपिंग कौन सा गांव वलनरेबल है गुंडागर्दी से तो हम उनमें लिस्ट बनाते हैं कि इस गांव में गुंडे कौन कौन है उसका बाप का नाम क्या है उसके दादा का नाम क्या है किस किस्म का वो जुर्म करता है किसके ऊपर वो अटैक करेगा सब हमारे पास डेटा होता है और हम उनके क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में जाके कोर्ट में जाके कित बॉन्ड लो गुड बिहेवियर का करूँगा और अगर वो बॉन्ड नहीं देता तो उसको अंदर सब कानून के अंदर अंदर हुँ. है ना तो कोई तकरीबन चार लाख के करीब हम इस किस्म के एक्शन हर इलेक्शन में ले लेते ले हैं तो चार लाख गुंडे हम इस तरह टेम कर लेते हैं तो ये हम कर सकते हैं तो ये तो हम करते हैं तो कम से कम इलेक्शन पीसफुल होता है लेकिन बाद में जीत के कौन आ रहा है उसकी हमारी गारंटी नहीं है वो आपने देख लिया तैतालीस अभी हाल में हमने देखा और अब तो ये काफी लंबे समय से हो रहा है शिवसेना लोक जनशक्ति पार्टी अभी एन एक पार्टी के दो धड़े हैं सिंबल वही चाहते हैं जो चला आ रहा है क्योंकि वोटर को पहचानने वासी नहीं होती है बहुत प्रक्रिया होती होगी पर सरलता से हम समझ सके ऐसे बताइए कि तय कैसे होता है किसे मिलेगा देखिए वो सीधी सी बात ये है कि ये एक इलेक्शन कमीशन का ही एक ऑर्डर है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 में जारी हुआ था कि किस तरह वो सिंबल दी जाएगी और अगर उसमें कोई स्प्लिट हो जाए दो धड़े हो जाएं तो किस तरह डिसाइड होगा तो उसमें एक पैरासोला है जिसमें सब चीज़ स्पेल्ट आउट है कि इलेक्शन कमीशन पर ये देखती है कि किसके पास मेजोरिटी है और मेजोरिटी भी दो तरह की देखती है कि एम एल और एम किसके पास है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिस बेरर्स हैं वो किसके पास मेजोरिटी ये दोनों चीज़ें देखते हैं तो मेजॉरिटी प्रिंसिपल पे फैसला कर देती है सबसे पहले स्प्लिट कांग्रेस की हुई थी 1969 में तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक तो गया सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि हमारा इलेक्शन कमीशन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको एक लीगल स्टेटस दे दिया उन्होंने कहा कि इनका ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है मेजॉरिटी का प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं ये बिल्कुल ठीक है यही चलेगा तो वो जब आज जब से अब तक चला रहा है बार बार कोई सुप्रीम कोर्ट में गया हर बार कोर्ट ने ये कह दिया hmm. अब जो लेटेस्ट केस जो जो हुआ ना दो केसेस में ये इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना जिसमें इंक्लूडेड कि उन्होंने क्या किया, किया कि एम एल की गिनती तो देख ली हाँ. उस बेसिस पे फैसला कर दिया और फिर ये था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को पे भी तो देखना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखने से इनकार कर दिया जो मैं समझता हूँ ठीक किया उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखेंगे वहाँ तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं वहाँ uh, का सेक्रेटरी वहाँ का ट्रेजरर वहाँ का एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी सब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिए वो सारे तो एक तरफ हैं पार्टी में आंतरिक तो लोकतंत्र तो है नहीं उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी तो है नहीं उसको देखने का फायदा ही कोई नहीं तो ये बहुत समझदारी का सोच बूझ का इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया अभी तो लेटली एक साल में दो ऐसे फैसले किए ये बिल्कुल ठीक किए तो एक तो इससे ये निकल के आता है कि हमें इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को ही सख्त होना पड़ेगा उसमें मैं मैं मानता हूँ मेरी भी कोताही रही मैंने भी उसको इतने सख्ती से नहीं लिया है और, और बाकी भी नहीं लेते रहे इंटरनल डेमोक्रेसी का इलेक्शन अगर हम दे, दे देंगे अगर नहीं किया तो हम आपका सिंबल छीन लेंगे आप देखना सारी पार्टियाँ दौड़ के अपने इलेक्शन कराएंगे तो वो हमें इलेक्शन कमीशन को कर लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट था और अब वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं देखिए तकनीक की घुसपैठ हर जगह है तो वी वी पैट आ गई ई वी एम आ गई इतने सालों सब ये चर्चा भी चल रही है कभी कुछ लोग कन्विंस होते दिखते हैं फिर चुनाव हार जाते हैं फिर कहते हैं नहीं भाई गड़बड़ तो होती है इतने साल हो गए इलेक्शन कमीशन की भी कोई कमी है क्या कि वो भरोसा नहीं दिला पा रही है पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए लोगों को ये आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया जो मैं अपने कई लेखों में और गुफ्तगु में कहता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पिछले पाँच दस साल में कमी ये है कि कम्युनिकेशन इनकी पुअर हो गई ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी को और जनता को आपत्ति करने का पूरा राइट है और जितनी बार वो आपत्ति करेंगे उतनी बार जवाब देना हमारा फ़र्ज है हम ये कहें जी हमने तो दस साल पहले जवाब दे दिया था आठ साल पहले दिया था ये नहीं चलेगा दस साल पहले दिया था बहुत अच्छा किया लेकिन अभी फिर किसी ने पूछा फिर जवाब दो तो और ये मेरी जो अप्रोच थी जो जो बड़ी कामयाब रही कि मेरे वक्त में तो की कंट्रोवर्सी जितनी मेरे वक्त में थी वो तो उससे पहले या बाद में कभी भी नहीं हुई 2009 में ताज़ा थी बीजेपी ने इसमें ऊपर एक किताब लिख डाली हाँ, थी बिल्कुल याद है डेमोक्रेसी इन डेंजर अडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था और उस... वो साहब राज्यसभा में है जिन्होंने लिखा था जो जो जिन्होंने लिखा जीवी नरसिमहरा राव अब राज्यसभा में है लेकिन उस बात हमने क्या किया कि जब मैं सी सी बना मैंने इमीडिएटली पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई जो मैं अपने सक्सेसर्स को भी कहता हूँ कि भाई पॉलिटिकल पार्टी इसको बुला के उनसे बात करो समझदार लोग हैं तुम भी समझदार हो वो भी समझदार हैं या तुम उनको कन्विंस कर लोगे या वो तुमको कन्विंस कर लेंगे ठीक है हमने बुलाया इस मीटिंग को इस मीटिंग के लीडर थे चंद्र बाबू नायडू और उसमें कई चीफ मिनिस्टर और दूसरे पार्टी के लीडर्स वगैरह सारे थे तो पहले तो हमें हैरानी हूँ कि चंद्रबाबू बाबू एंटी टेक्नोलॉजी डेलीगेशन को लीड कर हैं मैंने उनसे कहा भी, भी नहीं कि चंद्र बाबू जी आप तो टेक्नोलॉजी के आइकॉन हो और आप ये इसके मुखालफत कर रहे हो तो मेरे लिए चैलेंज है कि मैं आपको इस मीटिंग से ई का ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजूँगा बताओ क्या चाहते हो बताओ क्या शिकायत है तो उन्होंने फिर हमने औरों से लीडरों से पूछा सब ने कहा कि जी जो चंद्र बाबू जी कह रहे हैं वो किसी को कुछ पता नहीं ये था बताएंगे वो ये बताएंगे <laughs> किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि एक लीडर हो जाता है खैर हमने कहा साहब बताइए तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा या हम लोग ये नहीं कह रहे कि ई वी एम से इलेक्शन मैनिपुलेट होते रहे हैं या आगे होंगे हम ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है यानी जब आप बटन दबाते हैं वोट मशीन में गया ठीक जगह गया कि नहीं गया वो हमको दिखाई नहीं देता तो वो ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए हमने कहा भाई कैसे चा, आप चाहेंगे क्या करना उन्होंने कहा साहब वी वी पैट शुरू कर दीजिए वी वी पैट के फुल फॉर्म क्या है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसमें दो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वोटर वेरीफाइबलिटी और पेपर का ऑडिट ये जो बाद में आप चेक कर लें जब चाहें चेक कर लें तो ये आप शुरू कर दीजिए तो ये, हम, हम संतुष्ट हैं आप को खुश हो ये जान के कि हमने उसी मीटिंग में क्योंकि रीज़नेबल रिक्वेस्ट थी बात हम उनकी हमें समझ में आ गए हमने कहा आज ही से शुरू कर देते हमने वहीं बैठे बैठे फैसला कर दिया ऑर्डर दे दिया कि दोनों कंपनियां जो मशीनें बनाती हैं उनको कहो कि ये वी वी पैट डिवेलप करें जल्द से जल्द और हमारी एक पाँच आई के प्रोफेसर्स की कमेटी है इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट क्योंकि हम तो टेक्निकल नहीं है कि भईया आप इसको ज़रा सुपरवाइज़ करो वो मशीनें बननी शुरू हो गई पर ये इंडिपेंडेंट कमेटी हमने कहा कि मशीनें बनाओ वो खैर उन्होंने एक साल में मशीनें बनाई फिर हमने उसका फुल फ्लेट ट्रायल की पूरे दिन का इलेक्शन होता है ना उसको सिमुलेट किया जून के महीने में 2011 के जून के महीने में हमने और पांच शहर चुने उसके लिए आप देखेंगे उसकी चॉइस भी हमने कितनी केयरफुली की हमने एक त्रिवेंद्रम चुना कोस्टल इलाका लेह चुना पहाड़ी इलाका दिल्ली एक नॉर्मल सिटी जैसलमेर रेगिस्तान चेरा पूंजी बारिश का ताकि हर क्लाइमेटिक जोन में वो हमारी मशीन कैसी चलेगी ये हमको पता लग जाए इसमें हमारे मशीन में जो हमें एक टेंशन थी मुझे ख़ास तौर से दुविधा और टेंशन थी कि हमारी जो ई है वो सॉलिड स्टेट मशीन है सॉलिड स्टेट और दूसरी उसका मतलब है उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जबकि जो प्रिंटर है उसमें तो वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है उसमें मूविंग पार्ट्स हैं और जो सॉलिड स्टेट है वो उसके ख़राब होने के चांस कम होते हैं मूविंग पार्ट वाली के चांस ख़राब होते हैं मैं आपको एक एग्जांपल एक भी देता हूँ आपका कैलकुलेटर पिछले दस साल में कभी ख़राब हुआ है नहीं हुआ नहीं नहीं लेकिन नहीं आपका कंप्यूटर प्रिंटर कितनी बार पिछले हफ्ते में फेल हुआ है कभी पेपर जाम हो गया कभी टोनर ख़त्म हो गया क्योंकि तो ये चीज़ क्योंकि वेदर का असर भी उस पर ज़्यादा होता है बहरहाल जब हमने इसका ट्रायल की उन पाँच जगह चालीस फ़ीसदी फेल हो गया बहुत मेजर फेलियर था हमने कहा कि था बैक टू द ड्राइंग बोर्ड दोबारा ठीक करके लाओ ये इस तरह तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कहीं भी इलेक्शन मशीन ख़राब हो गई तो इलेक्शन तो रुक जाएगा और इलेक्शन रुकने के लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लिकेशन होती है आप तस्वुर कीजिए पाँच सौ तो लोग पोलिंग के स्टेशन के बाहर खड़े हैं और अंदर मशीन ख़राब हो गई आधे घंटे के लिए भी ख़राब हो गई वहाँ तो लठ लठ बच जाएंगे कि साहब ये ज़रूर गड़बड़ कर रहे हैं अंदर बैठे हुए कभी नहीं कहा ये तो नहीं खैर वो एक साल बाद उन्होंने मशीनें ठीक की टेस्ट किए वो सब ठीक हुए उसी जुलाई के महीने में 2012 में उन्हीं पांच जगहों पे फिर क्या ठीक हो गया उसके बाद से फिर ये आ, आगे मशीनें चलने लगी तो वी वी पैट ये चल रहा है लेकिन अब जो झगड़ा ये चल रहा है कि कितनी मशीनों की पर्चियाँ गिनी जाएँ इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनली फैसला किया था कि एक विधानसभा क्षेत्र में जिसमें 250-300 बूथ होते हैं सिर्फ एक बूथ की मशीन गिनो तो पर्चियाँ गिनोगे तो ठीक हो जाएगा कंपेयर करेंगे ठीक उसी करेंगे। से पर्ची निकलेगी उस पर्ची तो उस पर्ची तो सब में निकलेंगी गिनो गिनती करो गिनती उसकी सिर्फ करो अगर एक बूथ की सारी पर्चियों गिनो और उसकी मशीन को देखो तो एक ही पग आनी चाहिए मैच तो ये लेके लोग सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट नहीं एक तो बहुत कम है पांच गिनो हालांकि ये भी फिगर आर्बिट्रेरी है दस क्यों नहीं पंद्रह क्यों नहीं चलो कोई बात नहीं पाँच एक से तो ज़्यादा है ना पाँच तो पाँच की जाने लगी पोलिटिकल पार्टी इसे संतुष्ट नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट गई तेईस पार्टियाँ एक साथ गई कि जी इसको फिफ्टी परसेंट किया जाए हंड्रेड परसेंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया एक तो मुझे यह आपत्ति है कि सुप्रीम कोर्ट इनको जाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ क्यों पड़ी इलेक्शन कमीशन ने इनसे बुला के जो जिस जो आपका ओरिजिनल सवाल था कि इलेक्शन कमीशन इनसे बुला के बात क्यों नहीं करता इलेक्शन कमीशन के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ छुपाने की चीज़ नहीं है हर बस ओपन बुक है लेकिन उनसे बुला के बात तो करें उनको उनको डेमॉन्स्ट्रेशन ने पूरे दिन का डेमोस्ट्रेशन ने ले लियाओ भाई अपने बेस्ट टेक्नीशियन हम तुम्हारे सामने हम मशीन दिखाते हैं और वो हम कितनी बार इलेक्शन कमीशन चैलेंज भी किया है कि भाई हैक कर सकते तो करके दिखाओ लेकिन हमारे सामने हमारे कैमरे के सामने करके दिखाओ किसने किया नहीं किसी ने नहीं, किया, नहीं किया? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए कम्युनिकेशन जारी रखनी चाहिए एक वैसे बहुत अच्छी बात आप बताते हैं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अरे इतने बड़े बड़े देश हैं इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो तो करते नहीं है वहाँ तो ठप्पे से ही चल रहा है तो आप मैं सुन रहा था आपने एक जगह बहुत अच्छा बताया भी था कि जर्मनी जिसका उदाहरण देते हैं वहाँ पर वाकई वी वी पैट या इससे नहीं होता है तो उसका अपना एक कारण है और वो कारण आपने बताया है जी तो हमारे यहाँ ये भी दिक्कत आ रही है जो मैं कह रहा था आपसे कि कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम लगता है मुझे भी कि लोगों को विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कोई जवाब देने वाला ठीक से आ ही नहीं रहा है बिल्कुल और शायद अब तो और संवाद कम होता चला जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये संवाद बढ़ाए तो कन्विंस करना मुश्किल नहीं मुझे जो चिंता है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को तो समझाना फिर आसान काम है ऐसा हम बुलाइए दो चार घंटे बैठिए जनता के दिमाग में अगर ये डाउट घुस गया ना उसको हटाना मुश्किल होता है वोट देने नहीं निकलेगा देने, निकले। देने निकले। अब मुझे जैसे मैं ट्विटर पर हूँ नॉर्मली तो फॉलोअर्स अच्छे हैं लेकिन कुछ गालियाँ देने वाले भी हैं ट्वीट में करूँ कि जी किसी म्यूजिशियन के बारे में किसी अच्छी चीज़ के बारे में फटसे वो बैन ई वी एम ई वी एम पर क्या कर रहा हो तुमने नहीं वो था ई वी एम पे सब आ जाते हैं लेकिन दैट मीन्स ई वी एम पे क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है उसको ठीक करना इलेक्शन कमीशन का काम है वो जो कम्युनिकेशन से ही हो सकता है बुला लो सारा पूरा हिंदुस्तान का मीडिया बड़े से हॉल में 2000 हज़ार के, के सामने डेमोस्ट्रेशन करके देखो और हर एक सब के सवाल के जवाब दो बताइए मैं वॉलेंटियर करता हूँ मैं आपके हर सवाल के जवाब दूंगा वैसे ऐसा होता है कि जो पुराने आ, अफसर रहे हों जैसे आप थे सीई सी थे उनकी सलाह मशवरा नहीं इलेक्शन कमीशन में लेने की कोई परंपरा है कोई नहीं कोई परंपरा नहीं ना होनी भी चाहिए ना उसकी कोई जरूरत है क्योंकि जो सब आते हैं हम हम एक ही बैकग्राउंड के हम लोग हैं सब सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर मैं समझता तो हूँ आज के कमिश्नर हमसे ज़्यादा ब्राइट हैं लेकिन मेरा फिर इसमें एक सवाल है सर इतना भारी इलेक्शन है इतनी जटिल प्रक्रिया भी होती है कितनी मुश्किल इलाकों में आप लोग जाते हैं अब तो उसमें तकनीक भी आ गई है है ना और अभी हम चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन देख रहे थे वहाँ किस तरह की धांधली भी चल रही थी वो भी चुनाव से जुड़ा अधिकारी ही था भले ही वो थोड़े वक्त के लिए बना लेकिन क्या हमें एक आ, प्रोफेशनल लोगों की फोर्स की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जिनकी आ, पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग इस मामले में हो कि वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शंस ठीक से करा सकें नहीं 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 ये नॉट एट ऑल देखिए कितनी की ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं एक करोड़ बीस लाख हमारा स्टाफ है कीजिए उनकी ट्रेनिंग और वैसे हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं हमने उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया उसका आप गूगल करेंगे इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ट्रिपल आई डी ई एम ये 2011 में मैं नहीं बनाई थी कि भई अगर हम इनसे इन से लोगों से ज़ीरो एरर इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए तो हमने बहुत अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पर बनाया पहले तो इलेक्शन कमीशन में ही छत पे टॉप फ्लोर पे बनाया अब वो द्वारका में दूसरी बिल्डिंग में जाने को तैयार है लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें हम अपने लोगों को तो हम ट्रेन करते हैं हमने कहा कि जब हमारे पास इतना एक्सपर्टीज है हम दुनिया के इलेक्शन कमीशनों से क्यों नहीं इसको शेयर करें पिछले दस ग्यारह साल में एक सौ आठ देशों के इलेक्शन कमिश्नर्स हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं यानी हम इलेक्शन के विश्व गुरु माने हुए गुरु हैं अभी तो लोग हमसे ट्रेनिंग लेने आते हैं तो इतने अच्छे इलेक्शन जब हो ही रहे हैं तो तो और हमारे लोग कर ही रहे हैं तो कौन सी ट्रेनिंग की आप बात करें देर तो ऑल ट्रेन बहुत अच्छे ठीक है एक सवाल छूट गया और बचपन से मेरे मन में आता था मतलब जब से मैंने होश सम्भाल चुनाव ना होते देखता हूँ कोई कोई उम्मीदवार दो दो जगह से चुनाव लड़ता है अब दो जगह से चुनाव लड़ रहा है जीत गया तो एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी इतनी हमने बात की आपने यही सब कहा कि आप वापस बुला लेंगे फिर इलेक्शन होगा ये होगा यहाँ क्या ओपिनियन है ये, ये बहुत पुराना ये इशू चल रहा है पहले तो दो से की भी लिमिट नहीं थी तीन तीन चार चार जगह हाँ। से लड़ सकते थे फिर कुछ साल पहले पंद्रह बीस साल पहले दो की लिमिट हो गई और अभी भी ये प्रपोजल तो आता रहता है लेकिन नॉर्मली इसका इस्तेमाल ऐसे नेता करते हैं जो जितने प्रधानमंत्री बनना है जितने चीफ मिनिस्टर बनना है कि क्योंकि उसके पीछे उसको हराने के लिए भी पूरी ताकतें सारे मिल के इकट्ठे हराने के चक्कर में होते हैं तो इस वजह से वो दो जगह लड़ते हैं इसकी सेफ्टी होती है और कितनी बार देखेगा कि एक जगह हार गया दूसरी जगह जीत गया तो पता भी नहीं लगा तो डिमांड तो यह है लॉजिकली ठीक है और उसके ऊपर जहाँ एक जगह से रिज़ाइन करेगा उसके ऊपर फ़िलहाल बहुत ही सस्ता था फाइन है दस लाख रुपए तो दस लाख रुपए की क्या वैल्यू है कम से कम कितना बड़ा देता कम से कम पूरे कॉस्ट ऑफ दोबारा री इलेक्शन होगा उसकी कॉस्ट ही उस पर डाल दो ये करो लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल सीरियस इम्प्लीकेशन है कि कुछ ऐसे नेता हैं कि फिर वो इलेक्शन जीत ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको उनके पीछे सब लोग लड़ पड़ जाएंगे कि उनको किसी न किसी तरह तो हरा नहीं है फिर भी एक उदारता तो है ही इस मामले में नहीं ये लड़ लो कोई बात नहीं हाँ नहीं ये क्वाइट राइट right. तो और मैं, मेरा इसमें ये भी कहना था कि जब इतने ही बड़े नेता हैं तो आपको एक ही सीट पे लड़के जीतना चाहिए आ, नहीं ये तो लॉजिक है इसीलिए ऑफिशियली हमारी डिमांड भी यही ये, ये, अच्छा, है ऑफिशियली यही है की ये दो जगह से लड़ने की इजाजत बंद की जाए क्योंकि इलेक्शन तो फिर हम ही नहीं कराना पड़ेगा वही मेहनत तो आप ही की मेहनत तो हमारी है बिल्कुल जब हम कुछ अमेरिकन ड्रामा देखते हैं कोई पॉलिटिकल या वहाँ के चुनावों के बारे में कभी फुटेज आती हैं तो मैं ये देखता हूँ कि उनके ऑफिसज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के यूथ भी रहता है और महिलाएं भी काफ़ी रहती हैं उनका बहुत अच्छा उसमें इनपुट दिखाई देता है वो लोग हैं लेकिन हमारे यहाँ में गाँव देहात के इलेक्शन भी खूब देखें वहाँ से लेकर और नेशनल लेवल तक नेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत होता होगा महिला एकदम गायब है वोट देने भली खड़ी हो जाए लेकिन वो वैसे क्रियाकलापों में इलेक्शन के दिखती ही नहीं है तो ठीक है समाज के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ खास तौर पर अपनी तरफ से कर रहा है क्या नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कोई रोल नहीं है कि किसको टिकट मिलता है इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है उसको कौन जीतता है कौन हारता है नहीं है ठीक है ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि औरतों को टिकट ज्यादा दें हम ये डिमांड करते रहे मैं इंडिविजुअली तो खास तौर से लिखता रहा हूँ कि देखिए दे दे औरतों को टिकट क्यों नहीं देते तो जवाब ये मिलता है कि जी हम हमने दे विनेबिलिटी देखिए जीतने के चांस है क्योंकि यह तो मसल पावर से कोई जीतता है या मनी पावर से तो ना औरतों के पास मसल पावर है ना मनी पावर है तो इसलिए उनकी विनीबिलिटी कम मानी जाती है लेकिन ये गलत है मैंने ये फिगर्स दिए स्टेटिस्टिक्स दी हैं दो हज़ार नौ का इलेक्शन चौदह इलेक्शन कि छः परसेंट लोगों और तो को औरतों को टिकट दिया नौ परसेंट जीत के आई पर मुझे रिसेंटली अभी जब मैं किताब जिस आपने देखी आपके सामने रखी हुई है इसमें मेरी एक टेबल है उसमें देखा कि उन्नीस से लेके सारे इलेक्शन में स्ट्राइक रेट ऑफ वमेन इज़ फिफ्टी परसेंट मोर देन मैन उनकी अवेलिबिलिटी तो मर्दों से ज़्यादा है तो ये आर्ग्यूमेंट वो जो उनके जीतने के चांस कम है वो तो झूठ है गलत है सरकारी बस देने के लिए आंकड़े मौजूद हैं देने चाहिए तो लेकिन एक चीज जो बड़ी अच्छी हुई है मौजूदा सरकार ने जो एक बिल पास कर दिया जो इतने दिन से पेंडिंग था कंट्रडिक्शन की बात है देखिए पंचायत इलेक्शन में तो तीस साल पहले थर्टी परसेंट उसके बाद फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन कर दी बहुत अगर उस प्रिंसिपल को आप सिंसियरली बिलीव करते हैं उसको एमएलए और एम तक क्यों नहीं एक्सटेंड किया हर पार्टी रिजेक्ट करी थी लेकिन मौजूदा सरकार ने मोदी सरकार ने जो ये बिल पास किया उसके लिए इससे मैं बहुत खुश हूँ कि अब ये दो से उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि अब फिफ्टी परसेंट औरतें ये थर्टी थ्री परसेंट जो रिजर्वेशन है वो जीत के आएंगी ना तो कम्पटिशन बढ़ेगी दोगी। दोगी। दोगी दोगी। लेकिन आई मस्ट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ममता बनर्जी देखिए ममता बनर्जी ने पिछले इलेक्शन में इकतालीस फीसदी औरतों को लोकसभा का टिकट दिया और उनतालीस को जिता के भी ले आई यानी ज्वेनेबिलिटी भी प्रूव हो गई तो जीत के आई है लोकसभा से जीत के आई हैं उसी तरह नवीन पटनायक ने भी कुछ पैंतीस सैंतीस परसेंट औरतों को दिया वो भी उनके भी काफी जीत अच्छा लक्षण है अच्छा इलेक्शन किया लेकिन ममता जी ने तो प्रूव करके दिखा दी मोदी जी ने रिजर्वेशन करके आगे के लिए बहुत अच्छी बुनियाद डाल दी सही ये दोनों चीजें मैं समझता फ्यूचर के लिए अच्छी ठीक है बहुत जल्द जल्दी दो प्रश्न और और अब समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि एक प्रश्न वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत लोग पूछते हैं कि डुएबल है करना चाहिए नहीं देखिए ये दस साल से इसके ऊपर डिबेट चल रही है और मोदी जी ने जब ये सबसे पहले शुरू किया था उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए वो उन्होंने थोपा नहीं था क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये थोपना आसान काम नहीं है उसमें बहुत सारे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत करनी पड़ेंगी उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए उसने कहा जी संभव नहीं है नीति आयोग बनाया उसने कहा नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो अब एक कमेटी और बनाई गई है फॉर्मर राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में अब मैं भी मैं हैरान हूँ कि या उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वो कौन सी जादू की छड़ी ले आते हैं जो हमको नहीं दस साल में सूझी <laughs> कि किस तरह होगा यही कि जी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे वो कह देंगे अगर मैं बार बार ये कहता था कि देखिए कुछ खूबियाँ हैं वन नेशनल वन इलेक्शन में कुछ खराबियाँ हैं कुछ प्रॉब्लम हैं अगर कंसेंस हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है <laughs> कंसेंस का, का कोई फार्मूला ये कमेटी ढूंढ के ले आती है कोई ऐसा तरीका लेके आ जाती है कि ये संभव हो लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन नेशन के नाम से आदमी का पेट्रियोटिज्म जाग जाता है <laughs> लेकिन इसके पीछे एक और मैं कहूँ जी वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी कैसा लगेगा वन नेशन वन लीडर कैसा लगेगा तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हो सकता नहीं ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है तो ये वन ये तो शिकायत क्या है और किसी को शिकायत की जी बार बार इलेक्शन से भरतरी हरहरी महताब एम हैं बीजेडी के उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही वो कहते हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन की कन्वीनियंस और नेताओं की कन्वीनियंस थोड़ी देखनी होती है जनता से पूछो जनता क्या चाहती है जनता बार बार इलेक्शन चाहती है क्योंकि जनता का गरीब जनता के पास कोई और पावर ही नहीं है एक ही पावर है वोट की वो अख्तजा करता है उसकी वजह से उसको इम्पोर्टेंस मिलती है वरना एक बार इलेक्शन के बाद पाँच साल तक एम एल साहब एम साहब दर्शन नहीं देते दोनों ही नहीं मिलेंगे दोनों नहीं मिलेंगे और उनको पोस्टर लगाने पड़ते हैं गुमशुदा की तलाश ठीक है तो ऐसी सूरत में जनता तो प्रेफर करती है बार बार इलेक्शन हो सही है और ये कि बार बार इलेक्शन से काम ठप हो जाते हैं अरे ये बताइए आप नोएडा में बैठे हो और दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है आपका कौन सा काम ठप हो गया <laughs> पता भी नहीं लगेगा आपको कि वहाँ इलेक्शन हो रहा है सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पता होगा कि उसने चाहे नागालैंड में हो गए श्रीनगर में उसने होना होगा और नेताओं को पॉलिटिकल पार्टी क्यों को पूरा देश तो कभी नहीं रुकता। कभी नहीं रुकता। रुकता देश तो भारत बंद में नहीं और रुकता। अच्छा मॉडल कोर्ट भी बल्कि मॉडल कोर्ट को गलत इल्जाम दिया जाता है कि मॉडल कोर्ट में है कि मॉडल कोड कहता है कि नई स्कीम नहीं अनाउंस कर सकते हाँ। पुरानी सब चीज चलती है नई स्कीम का क्या मतलब है कि जी हम तो बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज थे जो ये निकम्बा थे इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ये नहीं होने दे रहा है अरे भाई चार साल ग्यारह महीने आप पावर में थे वो ब्राइट आइडिया पहले क्यों नहीं आए इलेक्शन थे दो हफ्ते पहले क्यों आते हैं सारे ब्राइट आइडिया वोटर को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। उसी को रोकता है बस मॉडल कोड और किसी चीज को किसी नहीं रोकता, को रोकता। ये सीई जैसे चुने जाते हैं और जो उसकी टीम चुनी जाती है उसे लेकर भी आपका ओपिनियन है कि थोड़ा और बेहतर कर लो इसे नहीं देखिए इसमें ऑलरेडी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो हम मैंने तो कई बार पहले कहा भी है लिखा भी है एस सी सी बोला है कि मैं पहले क्या होता था गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहे अपॉइंट कर देती है मैं भी उसी रूट से आया था लेकिन मैंने अपने एक इंटरव्यू में ये करण थापर का एक इंटरव्यू था जबकि मैं सी था मैंने भी कहा कि अगर मेरे नॉमिनेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन भी शामिल होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती मैं ज़्यादा मजबूत महसूस करता क्योंकि वो इस बात का परिणाम होता कि मुझे रूलिंग पार्टी ही नहीं अपोजिशन पार्टी भी अप्रूव करती है तो एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस पार्टी का सबूत हो जाता है वो तो ये डिमांड चल रही थी तो अब जो एक्ट जो बना है उस एक्ट में कुछ खूबियाँ हुई हैं और कुछ कमियाँ हैं हाँ। खूबी तो ये हुई है कि भाई एक ये कह दिया गया कि सिर्फ सेक्रेटरी लेवल का अफसर ही होगा अभी तक कमी ये थी कि बाजार से किसी को भी पकड़ के रिक्शा वाले को भी ला के बिठा सकते थे कोई रुकावट नहीं कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं लेकिन सिर्फ सेक्रेटरी टू तो गवर्नमेंट ही लगाया जाता था उस जिसने ग्लोरी दिया इलेक्शन कमीशन को अब तो आप किसी को भी उसको उन्होंने नैरो कर दिया कि सिर्फ क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी दूसरा एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी की कमेटी लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में पाँच नाम चुन लेगी जिसमें से ये कमेटी एक कोलिजियम जो बना है वो उसमें से किसी को चुन लेगा अब त्रुटि क्या है कि वो जो कोलिजियम है वो पांच के बियॉन्ड छठे को भी चुन सकता है तो फिर ये कमेटी क्यों बनाई है भाई ये तो बिल्कुल ही बे, बे बे गलत बात है बेबुनियाद बात है आप कमेटी क्यों बनाइए यह तो कमेटी को कहते हैं कि पाँच नहीं दस नाम चुन के दे दो सेकेंडली पाँच के पाँच नाम ये कमेटी जो लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में है प्रधानमंत्री से पूछे बिना क्या पांच नाम क्लियर करेगी जब वो पांचों के पांचों प्रधानमंत्री से क्लियर हैं तो कोलिजियम के सामने जाएंगे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन से कहता कि इन पांच में से किसी को ले लो मुझे क्योंकि मैंने तो पांचों को अप्रूव कर ही रखा है पांचों मेरे हैं कर लो बाप। आप कर लो तो वो भी खुश और आ, मैं भी खुश तो जो होते हैं ना देखने के लिए कैसा लगता है वो उसके लिए बड़ा जरूरी, जरूरी है कि ये करें आखिरी सवाल इसके बाद पॉडकास्ट का अंत आपके सबसे पसंदीदा सी सी और आपने उनसे क्या सीखा नहीं देखिये मैं तो सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा सुकुमार सेन जो फर्स्ट सी पहले पहले तो क्योंकि सी एन सेशन साहब बहुत मशहूर है मैंने उनके अंडर में काम भी किया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन की विजिबिलिटी बढ़ाई वगैरह उनके कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई कमी नहीं लेकिन जो सुकुमार सेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था कि दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन उन्होंने बगैर किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बग़ैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच ए, ए एबीसी से शुरू करके जो किया ना ये देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं बताना चाहूँगा कि आज का इलेक्शन ऑलमोस्ट एट्टी एट्टी फाइव परसेंट वही है जो उन्होंने उन्नीस सौ इक्यावन बावन में किया था हाँ। तो उनको जितना हम सैल्यूट करें क्योंकि उस जमाने में मीडिया तो था नहीं तो इसलिए उनके की शोहरत और इतनी नहीं हो पाई वरना वो जो सॉलिड काम करके गए वो हम सब के लिए मिसाल है उसका हम आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं और आपने किताब में भी उनका जिक्र किया है उनको डेडिकेट किया डेडिकेट किया है और किताब का नाम इंडिया एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी द लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शंस क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन बना वो 1950 में बना हिंदुस्तान की बस जो कहानी है लोकतंत्र की उससे जस्ट पहले और जो आप अक्सर कहते हैं कि एक सिंबल भी है एक प्रतीक भी है बताने का कि भाई आपकी एक इम्पॉर्टेंस है और आप ही को कराना है तो पहले ये पैदा हुआ और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया पैदा होता है बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए इतना समय दिया लगभग सारे सवाल हो गए मेरे थैंक यू वेरी मच बहुत खुशी हुई आपसे के दिलचस्प सवालों के जवाब देने की कोशिश की मैंने तो बहुत बहुत अच्छा लगा, लगा सर। और एस वाई कुरैशी साहब ने यूँ तो कई किताब लिखी है लेकिन खासकर इसे रिकमेंड करूँगा अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और इसलिए भी क्योंकि जैसा इसमें लिखा है कि इलेक्शंस के जरिए अपने देश की कहानी जानने का नायाब तरीका है ये इस किताब के बारे में इतना ही पढ़ी है मैंने बहुत सरल है अंग्रेजी नहीं भी जानते हो थोड़ी भी जानते हो तो भी आपके बहुत काम आएगी और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ हिंदी में करा दीजिएगा इसका अनुवाद अनुवाद मैं अनुपा दूंगा ठीक है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ागो नितिन में इतना ही अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे शुक्रिया